त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद महाराजगंज व गोंडा जाने वाली फोर्स को शुक्रवार को पुलिस परेड ग्राउंड से एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम द्वारा ब्रीफ करते हुए रवाना किया गया। इसके संबंध में एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि जनपद महाराजगंज और गोंडा में 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जनपद महाराजगंज में 117 SI, 60 हेड कांस्टेबल, 1190 कांस्टेबल तथा जनपद गोंडा के लिए 69 हेड कांस्टेबल, 56 कांस्टेबल रवाना किए गए हैं, जो 19 अप्रैल को आचार संहिता का पालन करते हुए पंचायत चुनाव को संपन्न कराएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, तो आप जानते हैं सब कुछ है, बस केवल आपको याद दिलाने की जरूरत है। अब याद मैं आपको दिलवा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। जिसको ट्रैफिक सर उन्हें आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिसको ट्रैफिक सर। और दूसरा मैंने बताया असलहे के बारे में, तीसरी बात आपके पास हमारी ड्यूटी कहाँ है, वो ड्यूटी कार्ड अवश्य होना चाहिए। और ड्यूटी आप समझ लें कि आपकी बूथ ड्यूटी लगी है, जनपद महाराजगंज व जनपद गोंडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में जो द्वितीय चरण का चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न होना है, उस संबंध में अपने जनपद गोरखपुर के सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जनपद महाराजगंज व गोंडा हेतु पुलिस लाइन में उनको ब्रीफिंग करके और बसों में रवाना किया जा रहा है दोनों जनपदों में, जिससे कि अच्छे तरीके से अपने कार्यों को करते हुए और कर्तव्य निष्ठा के साथ वहां के चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करा करके अपने गोरखपुर पुलिस का नाम रोशन करें, इस संबंध में इन सभी को अवगत कराए हैं। इसमें 117 SI, 60 हेड कांस्टेबल, 1190 कांस्टेबल महाराजगंज हेतु 30 बसों में व 69 जो है हेड कांस्टेबल और 56 कांस्टेबल गोंडा है तो 3 बसों में रवाना किया जा रहा है। इन सभी को कि अपने ड्यूटी को अच्छे तरीके से समझ लें, अनुशासन में रहेंगे, अच्छा टर्नआउट धारण करेंगे, अपने ठीक तरीके से अपने असले की हिफाजत करेंगे और साथ ही साथ जो आचार संहिता है उसका भी पूर्णतः पालन करेंगे। किसी भी प्रकार का जो है नशे का सेवन नहीं करेंगे, किसी के साथ अभद्रता नहीं करेंगे और पूर्ण अनुशासन में रहते हुए जिस भी पॉइंट पर इनकी ड्यूटी है, चाहे बूथ पर ड्यूटी रहे या टिकट पर ड्यूटी रहे या बैरियर पर ड्यूटी रहे, उसको अच्छे तरीके से समझते हुए और ड्यूटी को संपादित करेंगे।